प्रशासन बहुत ही अच्छा है भाई जी, बार बार बीच में आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपको केवल एक सूचना के तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ, सारे यहाँ नेता बैठे हुए हैं, सारी हलके की जनता बैठी है, भाई राजवीर जी के साथ एक बहुत गजब का सहयोग जुड़ रहा है। परमात्मा ने अनोखा कारनामा कर रखा है, वो ध्यान से सुन लो। फरटिया गांव का जब सरपंच बना तो परमात्मा की दया से बार था बालाजी का मंगलवार, जिला परिषद का मेंबर बना बार था बालाजी का मंगलवार, जिला परिषद का चेयरमैन बना बार था बालाजी का मंगलवार। आप साथियों, विधानसभा का रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा, बार है बालाजी का मंगलवार। दूसरी बात भाई, जो हमारे सामने दलाल साहब वो चुनाव लड़ रहे हैं भाई, वो तो प्यार ला रहे लोगों ने दारू, और यो राजवीर पलटिया भाई 5 साल तक अपने दूध और खीर खुआ ला रहा है। बताओ दारू आ रहा साथ दो बार दूध आ रहा का हाथ खड़ा करके भाई को विश्वास दिलाओ। आपका धन्यवाद। एक बात और कहता हूँ आपको, भाई ने गामा में एक योजना चला रखी है, पेवर झूठी योजना है, 2102,000 का एक फॉर्म भरवा रहे हैं भाई, गलती पे भी कोई बैंक का खाता ना दे दियो, नहीं सुपड़ा साफ कर देगा, एक कतन नहीं छोड़ेगा। और जहां भी मिलते हैं उड़े बैठा लो, आगे बल्ले अंडे है, गोज में अपना माल गर्म कर रखा है, लोगों को गुमराह कर रखा है। एक बात के साथ मैं हमारे कलाकार अशोक चाड़िया जी, उनको मैं बुलाऊंगा, एक बड़ा सहयोग और उनके साथ है भाई। 5 तारीख का चुनाव है और मशीन में भाई का निशान भी 5 नंबर पर है, और भाई जो निशान है वो भी पंजे का है आपका, 5 5 5। सबके पास सूचना पहुंचानी चाहिए मतदाताओं के पास। भाई अशोक जी वो है अपनी बात को रखे, भाई अशोक जी भाई एक हमारे जो आप भाई दीपेंद्र उड़ाएंगे वहाँ पर हेलीपैड है, मेरे पास सूचना आई है कि भाई वहाँ पर बहुत ज्यादा हमारे साथी खड़े हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि भाई ज्यादा उधर ना खड़े हो, सारे भाई यहाँ आ जाए। हमारे भाई जब आएंगे भाई उनके मान और सम्मान में और अनुशासन में रह करके वो सम्मान करना है जो पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं नहीं हो। तो उन साथियों से मेरा निवेदन है कि इतने भाई आप यहाँ बैठे हो, इतने ही वहां पर खड़े हुए, और अभी भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको आने में, तो उन साथियों से निवेदन है भाई धूप में खड़े हैं, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो सारे भाई एक बार यहाँ आ जाओ, जब आएंगे तो भी आपको अनुशासन में रह करके और नारे इतने लगाने हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में उसकी आवाज जानी चाहिए। आप लोगों ने बहुत अनुशासन आज मेरे को दिखाया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।